बिहार में सिर्फ पेपर पे ही शराबबंदी लागू है और नीतीश कुमार जी को इम्प्लीमेंटेशन से कुछ नहीं लेना देना। ये बात समझनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी इसलिए लागू किया था, सिर्फ ऑन पेपर इसलिए किया था क्योंकि ताकि पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों में जा कर के वो घूमें एक इशू के साथ, और वो प्रधानमंत्री के असल में कैंडिडेट थे, इसलिए हर जगह वो इसलिए उन्होंने लागू करने का काम किया था। और जो उस समय जो विपक्ष के लोग थे, तालिबानी कानून के नाम से बोलते थे, ड्रैकोनियन कानून के नाम से बोलते थे इस कानून को, तो आज वो लोग सत्ता में हैं। आज शराब जो है कहीं बंदी नहीं है, हर जगह शराब बिक रहा है, बस फर्क इतना है कि हर जगह शराब जो है वो महंगा बिक रहा है। और नीतीश कुमार जी से हम अपील करेंगे और हम लोग जानना चाहेंगे कि देश भर में वो शराबबंदी कब लागू करवा रहे हैं। अब तो बीजेपी उनके अलायंस पार्टनर है, अब पहले तो वो झारखंड भी जाते थे, यूपी भी जाते थे, छत्तीसगढ़ भी जाते थे, शराबबंदी की बात करते थे, अब दोबारा कौन से बीजेपी राज्यों में जा कर के वो शराबबंदी लागू करवाएंगे और कब अपने यात्रा पे निकल रहे हैं शराबबंदी को लेकर के। तो इनमें देखिए सिर्फ और सिर्फ दूसरा कानून बनाना, ये कानून बनाना, और दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जी के पास होम डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट होने के नाते आज देख रहे हैं बिहार की स्थिति क्या है, हर जगह शराब मिल रहे हैं, हर जगह लोग मारे जा रहे हैं शराब।